मंजिल उसी के नसीब में होती है जो खुद अपना नसीब लिखता है। किस्मत उसी की खुलती है जो उसे हासिल करने का जज्बा रखता है। हौसला बुलंद हो तो अंधी गलियों में भी रास्ते निकलते हैं। जुनून का चिराग जलता रहे तो अंधेरे में भी तीर निशाना चीर जाता है। हमने फरीदा से साफ कह दिया जी, निकाह के बाद सर्विस वगैरह करना हो तो तुम्हें ससुराल के रजामंदी से ही करना होगी। अल्ताफ भैया, हमने भी अशरफ से कह दिया था। अल्लाह ताला का दिया हुआ इतना अच्छा हमारा हार्डवेयर का बिजनेस है, फिर तुम जॉब क्यों करोगे? हम माशाल्लाह लड़का समझदार है, ग्रेजुएशन करते ही दुकान पे मेरा हाथ बटाने लगा। ये तो रिटायर ही हो गए हैं, दुकान का ज़्यादातर काम तो अशरफ ही संभालता है अब। अशरफ बेटा, अगर आपको फरीदे से कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हमें तो आपका अशरफ बहुत ही पसंद है। हमें भी फरीदा भाग गई है। आप देखो बच्चे क्या फैसला करते हैं। धीरज, काश तुमने मुझे कॉलेज में प्रपोज कर दिया होता ना, तो आज हम हमारे अपने कमरे में होते। जो हो गया उसका क्या गम करना, जो हो रहा है अच्छा ही तो है। लेकिन धीरज, मुझे कभी कभी लगता है कि काश हमें ऐसे छुप छुप के ना मिलना पड़ता। काश काश कल्पना की जगह मैं तुम्हारी बीवी होती। काश को गोली मार यार, मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और यही पत्थर पे लिखी हकीकत है नाज़नीन। कल्पना भी हकीकत ही है। नहीं, वो सिर्फ पत्थर है, मेरे गले से बंधा पत्थर। पर मैं कब तक अम्मी से झूठ बोलते हुए दरगाह जाती रहूँ? छुप कर दरगाह जाना मेरे गले का पत्थर बन चुका है। पर गले तो सलामत है ना, मैं हिंदू तो मुसलमान, अगर पता चला तो न जाने कितने गले कटेंगे। देखो नाज़नीन, अगर मैं कल्पना को छोड़ भी दूं, फिर भी कायदे से हमारा मिलना नामुमकिन है। तो ऐसे ही खुश रहते हैं ना एक दूसरे के साथ। पर कब तक? जब तक चलता है चलने देते हैं, फिर कोई दूसरा तरीका निकाला जाएगा। पसंद नहीं आई अम्मी, क्या ये वजह नहीं है? कोई और पसंद है तो बता। कोई और नहीं है अम्मी, बस मुझे फरीदा नहीं जमी, और मुझे मेरी बीवी चुनने का हक है या नहीं? कोई ज़बरदस्ती है क्या कि मुझे उससे शादी करनी होगी? अरे मैंने उससे पूछा कई बार, पर कहता है कोई और नहीं है। अल्ताफ मियाँ तो पूछेंगे ना, ये क्या कमी हमारी लड़की में? कह दीजिए कि अशरफ अभी तैयार नहीं है। अरे 26 का हो चुका है, और क्या तैयार होना उसे? पर दिल नहीं कर रहा उसका तो क्या करे, ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर सकते हैं। मैं कहती हूँ अल्ताफ भाई से सीधे सीधे सॉरी बोल दो, और मोहसिन भाई को कहो कि कोई और लड़कियां दिखाएं। ये कहाँ का खानदान है और लड़का क्या करता है? जीनत रहने वाले तो ये लोग माधोबाग के हैं, लड़के का नाम है अशरफ अली, ग्रेजुएट है, अच्छे शरीफ खाते पीते घर के लोग हैं, और लड़का जो है ना वो अपने बाप की हार्डवेयर की दुकान चलाता है। चलो बढ़िया है। अरे वाह, चाय भी आ गई। लड़के के कोई भाई बहन? नहीं, इकलौता है, और तुम्हारी नाज़नीन के लिए बिल्कुल सही है। तो मैं आज ही नाज़नीन के अब्बू से बात करती हूँ। बेटा हबीबपुर से एक रिश्ता आया है। आगे कहूँ सुनेगा? क्यों नहीं अब्बू,
फरीदा को देखा, मना कर दिया और बताया भी नहीं कि क्यों पसंद नहीं। अबू कुछ चीज़ें मैं बता नहीं सकता, इसीलिए नहीं बताता। बहरहाल कौन है ये हबीबपुर की लड़की? नाज़नीन नाम है, ग्रेजुएट है 24 साल की। और मोहसिन भाई रिश्ता लाए तो जाहिर है कि खानदान भी अच्छा होगा और लड़की भी अच्छी होगी। ये कह दीजिए मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। नहीं वो बात तो होगी। अच्छा है देखो नाज़नीन के लिए कुछ नए कपड़े वपड़े बनवा लो, मेरे ज़्यादा वक्त नहीं है, इतवार को वो लोग आ रहे देखने। कौन आ रहे हैं? क्या देखने? लड़के वाले आ रहे हैं माधोबाग से, अशरफ नाम है। अल्लाह का शुक्र है, बस सब सही हो जाए तो इंशाल्लाह इसी साल मेरी नाज़नीन के हाथ पीले हो जाएंगे। The number you have called is currently not reachable. धीरज जल्दी कॉल करो, एन वक्त पर तुम्हारा अर्जेंट काम निकलना था। प्लीज बहुत अर्जेंट बात है, मैं बड़ी मुश्किल में फंसी हूँ। आइए बिलाल भैया, अजूर भाई इलेस आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बास भाई ये हमारे बड़े भाईजान बिलाल भाई साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। ये उनका बेटा इलियास है और इनसे छोटे भाई अजमल है। इनका बेटा फैसल नहीं आया क्योंकि वो रहमतगंज में काम पे गया, इसलिए आज आ नहीं पाया। जिंदगी इन दोनों को साथ में गुजारनी है, बिना किसी दखल के अगर आपस में बातचीत कर लेते तो अच्छा रहता। क्यों अशरफ जी? हम हमारी तरफ से तो बेझिझक हाँ है, अब बस आप लोगों को हुक्म करना है निकाह कहाँ करना है और कैसे करना है। तो अशरफ बेटा क्या ख्याल है, इस बार लड़की पसंद आई? मुझे नाज़नीन पसंद है। भाई लट्टू हो गए तुम पर। चुप कर। अरे सच, वो अशरफ, ओ सॉरी, मेरे होने वाले अशरफ जीजू ने हाँ कर दी है। अगस्त में निकाह की बात हो रही है और अगस्त को भी 2 महीने भी कहाँ है। अरे ऐसे मुंह फुला हुआ क्यों है यार, इतना अच्छा लड़का है, ऊपर से हैंडसम भी है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो बता दो भाई, मैं ही पटा लेती हूँ। हाँ तू ही पटा ले, ठीक है? तो ठीक है फिर, मैं ही पटा लेती हूँ। अब्बा से बात कर लेना, एक बार बात हो जाएगी ना फिर मत बोलना, तुम्हारे भी अपने ही नखरे होते हैं। हाइट है धीरज, हाइट है। कितने मैसेजेस, कितने कॉल्स किए, अब जाके तुम्हें टाइम मिला फोन करने का? अरे यहाँ मीरागढ़ की साइट पर हूँ यार, सिग्नल नहीं था फिर फोन बंद हो गया, होटल में आके फोन चार्जिंग पे लगाया फिर भूल गया। आप देखता हूँ तो 1000 कॉल 2000 SMS, बात क्या है? आज सुबह सुबह ताया ताई जी परिवार के साथ घर आधम के अपने होने वाले दूल्हे को देखने। अरे कोई भी देखने आया यार, बस मना कर दो, कह दो कि पसंद नहीं है, टालती रहो। ऐसे कैसे टाल दूं, हाँ सब कुछ हो गया है फिक्स, तुम बस मना कर दो, कह दो कि लड़का अच्छा ही नहीं है। क्या कारण दूं, हाँ क्यों नहीं पसंद आया मुझे लड़का? धीरज तुम्हें जितना आसान लगता है ना उतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि अब हमारी स्टोरी खत्म हो रही है। क्या बकवास कर रही हो नाज़नीन, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो मैं कल वापस आ रहा हूँ, हम मिलके बात करते हैं। धीरज अब ये लीजिए आपकी चाय, नाश्ता बस 2 मिनट में रेडी हो जाए। नहीं नहीं चाय रहने दो, नाश्ता भी रहने दो, लेट हो रहा है। ये क्या है धीरज, आज सुबह तो घर आया है अब बगैर नाश्ता के वापिस जा रहा है? काम है पापा। 2 मिनट रुकिए ना, मैं नाश्ता पैक करके दे देती हूँ, कैंटीन में खा लूंगा। अरे घर का बना नाश्ता है जी, ले जाइए ना। घर का बना हुआ नाश्ता अच्छा होता है, कहाँ लिखा है? एक बार में समझ में नहीं आता, तुमसे बोला ना कैंटीन में खा लूंगा। नहीं होगा, मैं अब ना नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? बिल्कुल कह सकती हूँ,
अच्छा क्या बोलूं उनको हा? कि मैं एक हिंदू शादीशुदा लड़के के प्यार में पागल हो गई हूँ। तो क्या करेगी, उस अशरफ से शादी करेगी? ऑप्शन है नाज़िम, तू ऐसा कैसे कर सकती है, हम दोनों का क्या होगा? चलो मान लेते हैं, मान लेते हैं कि मैंने अशरफ से शादी के लिए ना कह दी, हाँ गाली खाली ताने सुन लिए, फिर क्या? अरे कब तक ना मैं बोलती रहूंगी। देखो धीरज, टाइम आ गया है, हाँ अभी डिसाइड कर लो, साथ में रहना है तो हम साथ ही तो है नाज़िम, कल्पना से ज्यादा समय मैं तुम्हारे साथ बिताता हूँ, ऑफिस में आने से पहले, साइट से आने के बाद, दिन में दो बार। अरे दिन में दो बार सेक्स करने को साथ होना नहीं कहते, जब दो लोग साथ होते हैं तो सबको पता होता है, होना भी चाहिए धीरज, प्यार होना चाहिए नाज़िम, जो हम दोनों के बीच में बहुत है, और ये प्यार तुम किसी और को कैसे दे सकती हो? मना कर दो नाज़िम, बाकी हम बाद में सोच लेंगे। मैं नहीं सोचती, जो भी करना है अभी करना है, हमको पहले हिंदू मुसलमान होना है जो भाग के शादी करेंगे, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हम रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को। तुम मुझे बस इतना बताओ धीरज कि तुम कल्पना को छोड़ने को तैयार हो या नहीं, तुम अभी भी श्योर नहीं हो? हाँ ठीक है, अरे बैठे रहो यहीं पे, मैं कर लेती हूँ अशोक से शादी। नाज़िम ठीक है, हम भाग जाते हैं दुनिया के ऐसे कोने में जहाँ किसी का बाप हमें न ढूंढ पाए, मुझे नहीं पता कहाँ पर, लेकिन हम भागते भागते रास्ता ढूंढ लेंगे। नाज़िम अपार या पार। अपने डॉक्यूमेंट्स और मिनिमम कपड़ों के अलावा और कुछ पैक मत करना, सब अरेंज हो जाएगा, ज़्यादा इमोशनल होकर लेटर वेटर लिखने की ज़रूरत नहीं, और हाँ अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर घर पर ही कहीं फेंक देना। मैं चौराहे पर वेट करूँगा तुम्हारा, फिर हम गांव के बाहर की तरफ जाएंगे, वहाँ से टैक्सी या बस पकड़ लेंगे। बाकी मटेरियल नोट डाउन करो, मैं दो मिनट में। कहाँ हूँ नाज़ यार, कल तुम्हारा फोन इतना ट्राई कर रहा, तुम आई भी नहीं, तुम्हारे घर पर भी ताला लगा है। सब गड़बड़ा गया धीरज, अम्मी को दिल का दौरा पड़ गया। नाज़िम हाँ वो तो तुम्हारी अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई, हमें सबको निकलना पड़े, मैंने एम्बुलेंस बुलाई है, जल्दी आओ जल्दी आओ, सफर करो एम्बुलेंस तुम गाड़ी में। इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकी धीरज, मैंने तो बैग पैक करके फोन स्विच ऑफ करके टेबल के नीचे फेंक दिया था, मैं उसे वही छोड़कर अब्बू के साथ अम्मी को लेकर हॉस्पिटल आ गई, फिर मैं वहाँ उन सबको उस हालत में कैसे छोड़कर चले आती। बुरा हुआ ना, लेकिन चलो अब अम्मी तो स्टेबल है। हाँ अल्लाह की दुआ से। तो अब क्या करें? पता नहीं धीरज, एक दो दिन रुक जाते हैं तब तक अम्मी भी हॉस्पिटल से आ जाएगी। हाँ मैं भी यही कहने वाला था धीरज, I love you. Love you too, नाज़, जान से ज़्यादा।
सबसे सर। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब नाउ और नेवर वाली बात है। अम्मी अभी अभी हॉस्पिटल से लौटी, रिकवर हो रही है। अगर मेरे भागने के शौक से उन्हें कुछ हो गया धीरज, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। धीरज तो क्या करना चाहती हो, अशरफ से शादी जी पाओगी मेरे बगैर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है धीरज, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। मंसूर मियां आप फिक्र मत कीजिए, अगर आप लोग निकाह की तारीख 6 महीने या 1 साल आगे ढकेलना चाहिए तो हमें कोई एतराज नहीं होगा, क्यों बेटे? जी बिल्कुल, मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस नाज़नीन की अम्मी एकदम सही हो जाएं। इस वक्त इससे ज़्यादा और कुछ मायने नहीं रखता। समझदार है वो लोग, जानते हैं कि स्ट्रोक से ठीक होने में वक्त लगता है। वही तो अम्मी, आप टेंशन ना लो, हो जाएगा निकाह। नहीं नहीं, अगस्त की 2 तारीख मुकर्रर हुई है, निकाह उसी दिन होगा। अब मैं ठीक हूँ, आप तो जानते हैं ना, कितने सालों से बस मुझे इसी दिन का इंतजार है, मेरी नाज़नीन को कभी खूबसूरत दुल्हन बनते हुए देखूं। मैं जानती हूँ धीरज कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, लेकिन मम्मी को कुछ हो जाए मैं वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो समझ नहीं आ रहा है कल्पना के साथ नहीं रह सकती। नाज़नीन हम जिंदगी भर एक दूसरे को कोसते रहेंगे, कि हम कॉलेज में इजहार नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम एक हुए ना, फिर मिले ना, और फिर फैसला किया जिंदगी भर एक होने का भाग कर, लेकिन फिर क्या किया, जिंदगी भर अधूरे रह गए और अपने गले के पत्थर को और कस के बांध लिया। अरे नाज़नीन कुछ तो बता, कुछ तो बोल। मम्मी हद है, कैसा बेहूदा सवाल है। अम्मी हूँ मैं तेरी, और ये रिवायत भी है। अरे वलीमा करना है ना मेरी जान, तेरा कर लो ना वलीमा, वैसे भी तो हर चीज मुझसे ही पूछ के हो रही है। अशरफ क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ अम्मी, क्यों? अरे नाज़नीन अभी तक उठी नहीं, कमरे से बाहर तक नहीं निकली। सोई होगी या कुछ कर रही हो? सुहाग रात तो ठीक हुई ना? अम्मी एक लिमिट होती है दखलंदाजी। ये तुम्हारी नई जिंदगी का पहला दिन है,
तुम दोनों साथ में बाहर आते, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान होती तो फिर है ना मुस्कान, ये आप नाचू आचू मियां, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको और मेरी नौटंकी। जीजा साहब जी, किसी ने आपको नाजनीन के बारे में बताया नहीं होगा पर ये ना टॉप की नौटंकी है। क्या क्या टॉप की नौटंकी करती हैं आपकी बहन, जरा हमें ही बताइए ताकि हम पहले से तैयारी कर कर रखें। इलियास साहब, फैजल मियां नजर नहीं आ रहे, निकामे भी नहीं आए थे और आज वलीमान भी नजर नहीं आ रहा। अरे वो अपने निकामे पहुंच जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, उनका निकाह तो उनके काम से ही हो गया। जनाब सरताजगंज में बैठे हुए हैं गोंद से चुपक कर और अपना काम कर रहे हैं, तुम ना उसकी क्लास अलग से लेना। भाई और आया नहीं? फैजल मियां की तो बात ही मत कीजिए, उनका गुनाह माफी के लायक भी नहीं। ख्याल को, उस एहसास को दूर करना आसान नहीं होता कि अब तुम्हें अपनी सारी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ काटनी होगी, बांटनी होगी, इसके साथ आप एक दिन एक पल नहीं गुजारना चाहते। अशरफ, मेरा मूड नहीं है। इतनी मायूस जिंदगी कोई कैसे जी सकता है और क्यों जिए? कोई खुद को इतनी जिल्लत में क्यों डुबोए? मुझे अम्मी से मिलने जाना है। आज जाना है? नाज़नीन, अभी दो ही दिन हुए हमारे निकाह के और अभी तक तो हमने वो अम्मी की तबीयत के लिए मैंने हबीबपुर के दरगे में मन्नत रखी थी। ओके ओके, कोई नहीं, अब मैं छोड़ दूंगा। कब जाना है? अभी? अब नहीं, मैं चली जाऊंगी, मुझे रास्ता पता है। नाज़नीन, सवाल रास्ते का नहीं है, सवाल साथ चलने का है। मुझे और तुम्हें अब जिंदगी भर साथ ही चलना है। एक या दो दिन में मैं वापस आ जाऊंगी। फोन करना, लेने आ जाऊंगा। नहीं, आने का रास्ता वही है ना, मैं आ जाऊंगी। नाज़नीन, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। धीरज, मेरे आसपास भी आता है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते और ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। धीरज, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, भाग जाना चाहिए था हमें। अभी भी भागने के लिए तैयार हो? मेरे लिए कुछ नहीं बदला है। फिर अंजाम जो भी हो, तुम्हारे मायके में, ससुराल में, उन दोनों के बीच, सब कुछ रिस्क लेने के लिए तैयार हो? दिल और दिमाग मान नहीं रहे ना? नाज, हमने क्या कर लिया अपने साथ? माना थोड़ा बैड लक खराब था,
लेकिन हमने जल्दी हार मान ली। थोड़ा और इरादा पक्का होता ना तो बाजी पलट सकती। पलट देते हैं ना बाजी, इस बार हार नहीं मानेंगे। पिछली बार तो अम्मी को लेके मैं जज्बाती हो गई थी, लेकिन इस बार इरादा पक्का है। हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता धीरज। तो बोलो कब भागना है? भागना, डरना, छुपना बहुत हो गया। तो क्या करना चाहती हो नाज? हम अशरफ को मार डालते हैं। नाज, अशरफ हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अशरफ के मरने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाएगी ना। अरे अशरफ के जन्नत पहुंचने से मैं ये शादी के नरक से बच तो पाऊंगी। एक बेवा बनकर, एक बोझ बनकर अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी और वो बोझ मैं हल्का कर दूंगी वहां से गायब होकर। तुम्हारे साथ भाग कर धीरज, हम एक साथ हो सकते हैं धीरज। सोचो धीरज, अशरफ के जीते जी अगर मैं भाग गई तो अम्मी अबू की नाक कट जाएगी, तस्नीम का निकाह नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं बेवा बन के भागी तो अम्मी अबू एक दो दिन शोक मनाएंगे, लेकिन उनकी इज्जत पर आंच नहीं आएगी। लेकिन नास, अगर बाय चांस किसी को पता चल गया तो? जो कि मुश्किल नहीं है कि तुम मेरे साथ भागी हो और हम दुनिया के किसी कोने में रह रहे हैं, तो अशरफ का मर्डर तुम तक ट्रेस होगा, हम तक ट्रेस होगा। धीरज, तुम कहते थे ना जो होगा देखा जाएगा। अरे अब मैं कहती हूँ कि जो होगा देखा जाएगा। मुझे तो बस इतना ही पता चल रहा है कि अशरफ की मौत से हम दोनों फिर से जिंदगी जी सकते हैं। डिसाइड कर लो, अगर हमको एक साथ होना है ना तो हमको ये सब करना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारे बड़े अबू का बेटा फैजल निकाह में नहीं आया था ना? नहीं, वलीमा पे भी नहीं आया। और अशरफ ने आज तक फैजल को नहीं देखा, राइट? नहीं। ठीक, तुम घर जाओ अशरफ के पास। ये तुम्हारा प्लान है कि मैं घर जाऊँ अशरफ के पास? नहीं, प्लान की शुरुआत है। बहुत बुरी शुरुआत है। मैं अशरफ के साथ एक दिन तो क्या, एक सेकेंड भी नहीं रह सकती। अगर मुझे छुए का वियोग है ना तो मैं चिल्ला विला दूंगी। और छुए का तो बिल्कुल ना, हक बनता है उसका, बीवी हूं मैं उसकी। अरे तुम मत दो उसे उसका हक, बहाने बनाती रहो जैसे अभी तक बना रही हो। बहुत आसान है ना। देखो अशरफ तुम्हें लेकर ऑलरेडी टेंशन में है, तुम मना करोगी तो उसकी टेंशन बढ़ेगी, जो हमारे लिए फायदेमंद, और फिर फैजल की एंट्री उसकी टेंशन और बढ़ाएगी। अरे अभी तो मैंने तुम्हें भूला कि फैजल अशरफ को जानता भी नहीं है। वही तो प्लान है। अरे स्वयं धीरज मौर्य बता रहे हैं। आज सूरज कहां से निकला है बे? आजा। कैसा है तू? अरे छोड़, मैं कैसा हूँ, बैठ। ये बता, तू सरताजगंज आते रहता है काम के सिलसिले में और पूरे 6 महीने बाद अपना थोपड़ा दिखा रहा है। यार तू इतनी गिल्ट ट्रिप देता है, सोचा इस बार मिल लेता हूँ। चल ठीक है, ये बता एक दो दिन रुकेगा या पलक झपकते गायब? नहीं, कल सुबह तक हूँ। बस तो ठीक है, आज रात तू मेरे पास रुकेगा, समझा? चल ठीक है भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी। वालेकुम अस्सलाम। इलियास बोल रहे हो ना? नहीं, इलियास नहीं, मैं बोल रहा हूँ फैजल।
तभी मैं सोचूं आवाज अलग क्यों लग रही है। तो मिस्टर बिजी बिजी फैजल, अब कैसे याद किया हमें? जी जी, पहले तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ कि ना मैं निकाह में आ पाया और ना ही वलीमा में। अरे भाई, हम तो माफ कर देंगे, समझते हैं काम वाम का प्रेशर है, लेकिन नाजनीन तो तुम्हें गोली ही मारने वाली है। इसीलिए तो जी आपको फोन किया है, कितने फोन की उठाती नहीं, तो सोचा आपको फोन करके सारा गुस्सा ठंडा कर देता हूँ। अरे क्यों नहीं करेगी बात, मैं करवाता हूँ ना। एक मिनट, फैसल है, मैंने खाने पर बुलाया है। हेलो फैजल। कौन फैजल? हम किसी फैजल को नहीं जानते। याद दिलाना है तो कोई अच्छा सा तोहफा ले आओ, तब शायद याद आ जाए। सही जा रही हो, बेवकूफ बकरा खुद कातिल को दावत पर बुला रहा है, बुरी तरह कटने वाला है। ठीक है, इस बार मैं आपको माफ कर रही हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे शौहर ने कहा है, वरना मैं तुम जैसे सैंपल्स को माफ नहीं करती। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे फेवरेट पसंदे बनाने वाली हूँ, हाँ, और इस बार अगर टांग दी ना तो फुल लाइफ टाइम की कट्टी। तुम्हें मजाक करते मुस्कुराते देख बड़ा अच्छा लगता है नाजनीन। नाजनीन, तुम खुश तो हो ना मेरे साथ? हाँ, मैं खुश हूँ। नाजनीन, मुझे वो अम्मी को रसोई में मदद करनी है, मैं जाती हूँ। भाई फैजल, तुम्हारे मैसेजेस और जोक्स पढ़कर इतना हंसा हूँ कि आंखों से पानी आ गया। कल खाने पर खूब मजे करेंगे, आना जरूर, वरना नाजनीन तुम्हारे पसंदे बनाएगी। मैं मिलूंगा तुम्हें अशरफ, जरूर मिलूंगा, लेकिन पसंदे किसके बनेंगे ये तब पता चलेगा जब तुम्हें नाजनीन की हकीकत पता चलेगी। नाजनीन, फैसल का कोई और नंबर है क्या तुम्हारे पास? ये वाला तो बंद आ रहा है। नहीं, वही एक नंबर है। मुझे तो पहले से डाउट था कि फैसल कुछ ऐसा ही करेगा, अजीब ही है वो। पर ऐसा क्यों है, मतलब प्रॉब्लम क्या है? अरे वो हर चीज में लेट ही करता है, एक काम करने के चक्कर में ना उसके बाकी दो काम छूट जाते हैं। काम कौन नहीं करता यार, आज सुबह ही उससे बात हुई थी, साफ साफ कह रहा था क्या रहा हूँ। मैं काम करता हूँ, इलियास से पूछता हूँ कि माजरा क्या है। इलियास और फैजल के बीच झगड़ा चल रहा है। इलियास वैसे भी फैजल से खफा है कि वो शादी और हमारी वलीमा में शरीक नहीं हुए, खामखा लड़ेंगे, छोड़िए ना। तो क्या करें, वेट करें? कोई फायदा ही नहीं है, मैं तो कहती हूँ हम खाना खा लेते हैं। अजीब बंदा है। अच्छा वैसे कल परसों मुझे फिर से हबीबपुर जाना है, दरगे पे, ठीक है? हाँ ठीक। अस्सलाम वालेकुम अशरफ मियां। यार रखो अपना सलाम अपने पास, साले आए नहीं कल तुम, इतने सारे मज़ेदार खाने बनाए थे नाजनीन ने, पसंदे और ये और वो और पता नहीं क्या क्या, इतनी अच्छी दावत तो मेरे लिए भी कभी नहीं बनी और ना ही कभी बनेगी। ऐसा क्यों बोल रहे हो यार? मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर नहीं मिलना चाहता था, कहीं और मिलना चाहता था, अकेले में नाजनीन से दूर। ऐसा क्यों? सीधी बात करो भाई। मैं और तुम कभी पहले मिले तो है नहीं, फिर भी मैं तुमसे सच नहीं छुपा पाऊंगा, तुम सामने आओगे तो कह ही दूंगा। कैसा सच? सच जिसकी वजह से ना तो मैं निकाह में आया, ना वलीमा में और ना ही दावत में। देखो यार ये पहेलियां उलियां ना बजाओ, जो भी बोलना है सीधे सीधे बोल दो। फैजल देखो अब बहुत हो गया, ये सस्पेंस और ये खामोशी अगर कोई मजाक है तो भाई मुझे माफ करो। मजाक तो तुम बन गए हो। क्या तुम कुछ ऐसा कहना चाहते हो जो मुझे मालूम नहीं और मुझे मालूम होना चाहिए? हाँ। देखो फिर चुप हो गए। फैजल बात करो, क्या कहना चाहते हो? क्या नाजनीन के बारे में कुछ है? हाँ। तुम कह रहे थे कि वो मेरे लिए ऐसी दावत कभी नहीं बनाएगी, क्या मतलब था उसका? हेलो
नाज़नीन आज भी अपनी अम्मी के यहाँ गई हुई है। हाँ देखो फैजल, अब प्लीज सीधे मुद्दे पर आ जाओ। मुद्दा यही है अशरफ कि नाज़नीन अपनी अम्मी के यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है? दरगाह पर मन्नत की बात की होगी उसने। हाँ वो इस वक्त दरगाह पर भी नहीं है। वो झूठ बोल रही है मुझसे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ज्यादा गुस्सा आ रहा है या डर लग रहा है। डरना तो तुम्हें यकीनन चाहिए। नाज़नीन तुम्हारा मर्डर प्लान कर रही है। ये क्या बकवास कर रहे हो यार? निकाह की रात से लेकर आज तक कैसा रिश्ता रहा है तुम्हारा उसके साथ? अच्छा है। झूठ बोल रहे हो तुम। अच्छा नहीं रहा। हाँ ठीक है, अच्छा नहीं है। वो दरअसल हमारी सुहागरात। सुहागरात तो तुम्हारी आज तक हुई नहीं है ना? क्या उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं था? जबरदस्ती की गई थी उसके साथ ना? तुम तो महज एक मोहरा थे सामने रखने के लिए, क्योंकि नाज़नीन और इलियास का सच तो सामने नहीं आ सकता ना। नाज़नीन और इलियास का सच क्या मतलब है तुम्हारा? वही मुझसे उनका नाटक देखा नहीं जाता, इसीलिए ना मैं निकाह में आया और ना वलीमा में। कब से? 5 साल। जाहिर है खुलेआम तो ऐलान कर नहीं सकते अपने रिश्ते का, इसीलिए नहायत ही घटिया तरीका अपनाया। नाज़नीन ने शादी के लिए हाँ की ताकि वो बाद में तुम्हें मार सके और फिर इलियास के साथ। अब अगर तुम तलाक देते हो उसे तो वो हल्ला मचाएगी बिरादरी में कि तुम नामर्द हो, नपुंसक हो। अब तुम पूछोगे ये सब मुझे कैसे पता? वो नाज़नीन के जरिए बतौर मुआवजा बड़ी रकम ऐंठना चाहता है। अब अगर तुम तलाक देने गए तो वो दुनिया में ढिंढोरा पीटेगी, तुम्हें तुम्हारे अम्मी अबू को बदनाम करेगी और बिरादरी के सामने वो एक नेक औरत कहलाएगी, और तुम साले विलन कहलाओगे। ये है सारा प्लान अशरफ। तुम मेरी बात पर कतई भरोसा मत करो, भरोसा सिर्फ अपनी आंखों पर करो। तुम उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ सकते हो। कैसे? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर तुम सीधा पुलिस के पास जाना, FIR लिखवाना चीटिंग की, और फिर नाज़नीन को तलाक दे देना। अशरफ वहां क्यों खड़ा है चुपचाप? क्या हुआ अशरफ? क्या हुआ है? कुछ दिन से देख रही हूँ बुझा बुझा सा है। बात क्या है बेटा? कुछ नहीं अम्मी, सब ठीक है। अशरफ यार, अशरफ औरतों से छुपाए कुछ नहीं छुपता, बस वो तुम्हारी अम्मी है। अब छुपाने वाली ऐसी कोई बात नहीं। अशरफ इस बार 4 दिन रुकूंगी, ठीक है? तुम मम्मी के घर ही रुकोगी ना 4 दिन? हाँ अम्मी के घर ही जाती हो ना इस बार ही ना। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ तुम्हारे अम्मी के यहाँ 4 दिनों के। जैसे ही तुम कहोगे कि तुम्हें भी चलना है उसके साथ और तुम भी रुकोगे, देखना उसके चेहरे का कलर ही उड़ जाएगा। लेकिन अशरफ ठीक नहीं है ना, ऐसे 4 दिन वो भी ससुराल में, लोग क्या कहेंगे कि तुम घर जमाई बन गए? वो तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है तुम अकेले चली जाओ। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इलियास ने भी आज छुट्टी ले रखी है, मैं तुम्हें 4 बजे मिलूंगा। और हाँ अशरफ बाइक मत लेके आना,
मैं तुम्हें पिक करूंगा हाईवे के सामने से। आज मैं नाज़नीन से साफ साफ बात करूंगा, वो मुझे और बेवकूफ़ नहीं बना सकती। मैं अब मोहरा नहीं बनूंगा। अगर वो परेशान है बेटा तो तेरा फर्ज बनता है ना उसकी मदद करना। अम्मी लेकिन वो कुछ बोलते तक नहीं, बात तक नहीं करते। खैर मैं तो नई नवेली दुल्हन हूँ लेकिन वो अपने अम्मी अब्बू को भी कुछ नहीं बोलते। बेटा निकाह के बाद पति अपनी वालिदा से ज़्यादा अपनी पत्नी से अपने राज बांटता है। लेकिन अम्मी मुझे वो एक लफ्ज़ भी नहीं बताता कि आखिर उनकी परेशानी क्या है। कहीं वो मुझसे तो परेशान नहीं, कहीं मुझसे तो नाखुश नहीं वो। नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, भला तुमसे वो नाखुश क्यों रहने लगा? अरे तुमसे निकाह कर तो उसने बड़ी खुशी खुशी हाँ कह दी थी। अम्मी मैंने आपसे वलीमा से पहले झूठ बोला था। क्या? अशरफ ने आज तक मुझे छुआ तक नहीं है। ये क्या कह रही है तू? आप कह रही है इतने दिनों के बाद? अम्मी मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं उसकी जिंदगी में कोई और तो नहीं। अल्लाह वो दोनों अंदर होंगे, तुम आगे चलो मैं पीछे पीछे आता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ दोनों को पता चले कि मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। मैं तुमसे निकाह करना ही नहीं चाहता था। अम्मी और अब्बू को भी मैं अपने अंदर की कश्मकश समझा ही नहीं पाया। जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे मेरी सबके सामने शादी नहीं हो सकती। लेकिन अब अंजलि पेट से है और मैं उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता, और मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा नाजायज़ कहलाए। इसलिए मैं अंजलि के साथ नई ज़िंदगी शुरू कर रहा हूँ। मैं तुम्हें इस शादी से आज़ाद कर रहा हूँ। तुम्हें एक से एक हमसफ़र मिल सकते हैं, पर अंजलि के पास मेरे अलावा कोई नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर देना अब्बू अम्मी, मैं अंजलि के साथ अपनी नई जिंदगी जीने जा रहा हूं। क्या हुआ?
आप एक हिंदू लड़की से मेरी शादी को कभी राजी नहीं होते और मैं आपके सामने सच बोल नहीं पाया। तो ये प्लान है? क्या ये प्लान काम करेगा? करवाना पड़ेगा, और अशरफ को मारना सिर्फ आधा प्लान है। मतलब? अशरफ तुम्हारे गले का पत्थर है जिसे हम निकाल कर फेंक ही देंगे, कि मेरे गले का पत्थर है कल्पना, उसे भी तो निकाल के फेंकना है। परफेक्शन, इस प्लान में परफेक्शन हासिल करने की पूरी कोशिश की गई थी। आगे की प्लानिंग भी बड़ी बारीकी से की जा रही थी। अब सवाल यह था कि जो जुर्म हो चुका था, क्या वो हमारी पकड़ में आने वाला था, या फिर इस परफेक्ट क्राइम के बलबूते ये जोड़ा अपने दूसरे क्राइम को अंजाम दे पाने वाला था। हमारे हाथ ये एक ऐसा केस आया था जहां मुजरिम नामुमकिन को मुमकिन बनाने की फिराक में थे, और हमें इस मुमकिन को नामुमकिन करना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।